हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की जो आरटीए रिप्लाई है उसका एक वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले हमने एक आरटीआई अप्लाई किया था जयपुर मेट्रो में, तो दोस्तों फाइनली उसका जवाब आ चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 24 जून 2024 को ये आरटीआई हमें प्राप्त हुआ है और इसमें बताया गया है कि जो जयपुर मेट्रो है उसमें वर्तमान में मेंटेनर की कितनी पोस्ट वैकेंट है। मेंटेनर में जैसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है और जो फिटर है यानी कि ऐसे मैकेनिक जो भी मेंटेनर की पोस्ट है उसमें कुल कितनी पोस्टें यहाँ पर हैं, और जो डिप्लोमा है यानी कि जो पॉलिटेक्निक है और जो बीटेक है उनकी क्या पोजीशन है यहाँ पर खाली जो पोस्टों की, उन्होंने बताया है कि कितनी पोस्टें वैकेंट है या नहीं बताया है, वो मैं आपको यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। और जो न्यू रिक्वायरमेंट है वो कब तक आ सकता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कि जयपुर मेट्रो का अभी तक केवल एक ही फेज़ है जो चल रहा है, दूसरा जो फेज़ है वो अब चलेगा, यानी कि पहले उसका यहाँ पर जो है मेट्रो लाइन बिछेगी, पिलर बनेंगे, फिर बाद में होगा, इसीलिए इसमें जो है कम पोस्ट आती है। अब दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नीचे लाइन दी गई है इसमें बताया गया है कि जो मैंने आरटीए अप्लाई किया था उनको जयपुर मेट्रो को वो 30/5/2024 को उनको मिल गया था और उसका जो जवाब है उन्होंने मुझे अब दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा था, एट प्रेजेंट हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल टाइप्स पोस्ट इन जयपुर मेट्रो। तो दोस्तों इसमें जो जयपुर मेट्रो है उसे पूछा गया था कि सभी प्रकार की जो पोस्ट है चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है उनमें वर्तमान में जयपुर मेट्रो में कितने जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी है यानी कि वैकेंट है। तो दोस्तों इसके जवाब में जयपुर मेट्रो ने लिख दिया है वांछित सूचना अस्पष्ट है, यानी कि इसका वो जवाब नहीं देंगे यहाँ पर, यानी कि नहीं दे सकते। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, व्हेन विल द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन टेक्निकल पोस्ट इन जयपुर मेट्रो कम। इसमें मैंने स्पेशली पूछा था कि जो टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे आईटीआई मेंटेनर की है, ट्रेन कंट्रोलर की है यानी कि पॉलिटेक्निक, बीटेक और आईटीआई वालों की, तो उसके लिए पूछा था यहाँ पर कि इसमें जो है टेक्निकल पोस्टों पे कब तक वैकेंसी आएगी। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसके लिए आप जो जयपुर मेट्रो की जो ऑफिशियल साइट है उसको आप विजिट करते रहें, ये हम आपको आरटीआई से नहीं बता सकते। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, एट प्रेजेंट हाउ मेनी पोस्ट ऑफ मेंटेनर आर वैकेंट इन जयपुर मेट्रो। पर्सनली मेंटेनर के लिए पूछा कि मेंटेनर में कितनी पोस्टें वैकेंट है। तो दोस्तों जयपुर मेट्रो में मेंटेनर के लिए जो है कुल वर्तमान में 14 पोस्टें वैकेंट है, यानी कि केवल 14 पद ही यहाँ पर अभी जयपुर मेट्रो में रिक्त है। और ये जो 14 पोस्ट है इनमें इलेक्ट्रीशियन भी है, जो फिटर है वो भी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है और एसी मैकेनिक है वो भी इसमें शामिल है। वहीं दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछा था, हाउ मेनी टेक्निकल पोस्ट हैव बीन फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जयपुर मेट्रो, यानी कि जो जयपुर मेट्रो है उसमें वर्तमान में अभी तक कितनी पोस्टों पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है भरा गया है, यानी कि कितने पोस्ट ऐसी हैं जिन पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कैंडिडेट को लिया गया है। तो उसके लिए भी उन्होंने लिख दिया कि वांछित जो सूचना है वो स्पष्ट है, यानी कि जयपुर मेट्रो ने यहाँ पर केवल जो है दो ही जो सवाल है उनके जवाब दिए हैं, बाकी का इन्होंने नहीं दिया है। और उनमें से भी एक का तो उन्होंने कह दिया कि जो ऑफिशियल साइट है वो आप विजिट करते रहें। तो दोस्तों ये जो है जयपुर मेट्रो की ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है जो मैंने उनको अप्लाई किया था और ये मेरे को मिल चुका है। अब दोस्तों जल्दी जो दिल्ली मेट्रो है उसमें एक आरटीआई अप्लाई करने वाला हूँ, उसका वीडियो जल्दी आ जाएगा और उसमें भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चन जो है दिल्ली मेट्रो को यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा भी अलग से अगर कोई क्वेश्चन है जो आप दिल्ली मेट्रो को अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना जो क्वेश्चन है वो ज़रूर लिखें। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।